रोजगार का सुनहरा मौका मैसेज आर के एंड कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर व टांडा में ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट के करीब 20 पद भरे जाएंगे। इसके लिए ओटीए में डिप्लोमा व पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही लैब टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT का अनिवार्य है। पैरामेडिकल काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश में आवेदनकर्ता पंजीकृत होना चाहिए। दोनों ही पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा इस मेल पर भेजे। महिला थाना हमीरपुर में मंथली क्राइम मीटिंग हुई। इस बैठक की अध्यक्षता DSP हेडक्वार्टर हमीरपुर रेणु शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से पेंडिंग केस की जानकारी ली। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर विस्तार में चर्चा की गई ताकि लंबित मामलों का निपटारा जल्द हो सके। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अधिकतर केस पेंडिंग चल रहे हैं। अब जिला पुलिस ने इन केसों को निपटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की योजना बनाई है। जी, ये मंथली क्राइम मीटिंग होती है हमारी, जिसमें जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है और उसमें उनका जायजा लिया जाता है कि कौन सा केस किस स्टेज पे है, उसको कितना समय लगेगा, किस स्टेज पे अटका है, आईओ की तरफ से डिले हो रहा है या फिर कंप्लेनेंट की तरफ से हो रहा है या अक्यूज्ड की तरफ से होता है। इन सारी चीज़ों का जायजा लिया जाता है तथा संबंधित दिशा निर्देश आईओ को दिए जाते हैं। पुराने केसेस हमारे लॉकडाउन की वजह से पेंडिंग है और कुछ एक केसेस FSL में है, क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन की स्थिति थी तो उन लोगों ने भी काम बंद कर दिया हुआ था, वहाँ पर भी उनके रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी केसेस पेंडिंग थे। अब क्योंकि काम चल ही पड़ा है लगभग सभी विभागों में, तो अब धीरे धीरे केसेस निकल जाएंगे, पुराने केसेस जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे और नए केसेस तो रजिस्टर हो ही रहे हैं। वेलफेयर के कुछ मुद्दे हैं फर्नीचर को लेके हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं। थोड़े से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं इसमें और हेडक्वार्टर के साथ उठाने के लिए कुछ इशूज़ हैं जो हमने पहले उठा लिए हैं। जैसे ही SNL सॉर्ट आउट होते हैं वैसे ही ये यहाँ का जो सामान है, जहाँ फर्नीचर है, वो सब आ जाएगा।